हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस आप लोगों को ये वीडियो याद है? ये वीडियो जो है ना गाइस, मैंने कम से कम 3 से 4 महीने पहले इसे अपलोड किया होगा, बट पता नहीं इस पे क्यों कॉपीराइट बजा रहा है। और इस कॉपीराइट क्लेम को जो है मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले ही देखा, तब से मेरा दिमाग बड़ा ही ख़राब हो गया कि मैंने कहा यार ये तो सारा कंटेंट जो है मेरा ही खुद का बनाया हुआ है, पता नहीं फिर इस वीडियो पे क्यों कॉपीराइट क्लेम आ गया। फिर इस वीडियो को जो है मैंने 3 से 4 बार ठीक करने की कोशिश की, बट है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। और तंग आके जो है गाइज मुझे इस वीडियो को है जो डिलीट करना पड़ा अपने चैनल से, बट मुझे इस वीडियो को अपने चैनल पे रखना था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से री अपलोड किया है। सो गाइज आप लोगों को इस वीडियो को दोबारा देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो है आप देख पा रहे होंगे कितनी बारिश हो रही है, और आपको जो है बादल भी दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और हम लोग जो है बस प्लान था हमारा मार्केट जाने का, क्योंकि ना उसके बाद जो है ना हमारी जो छुट्टियां थी वो भी ख़त्म होने वाली थी, तो हमारे पास जो है आखिरी दिन था जो हम घूमने जा सकते थे, तो इसलिए हम उसी दिन गए थे घूमने के लिए। बारिश में भी जो है आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, बाहर का काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जगह ना मुझे सच में बहुत पसंद है, क्योंकि ना आपको जो हर जगह हरियाली देखने को मिल जाती है। ये जो है मेन मार्केट है, और आप जो है देख पा रहे हो कितनी प्यारी कलाकृतियां बनी हुई हैं। सामने जो आपको जो है स्वीट्स की दुकान दिख रही होगी, यहाँ पे हम लोग हैं खाना खाते हैं, और इसी स्वीट्स की शॉप के बगल में जो है जो सीढ़ियाँ गई हुई हैं, इन्हीं सीढ़ियों को उतर के जो है विशाल मेगा मार्ट आ जाता है, यहीं पे जो है हम शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग करने के बाद जो है हमको लंच करना है, फिर उसके बाद जो है हम मूवी देखने जाएंगे। सामने काउंटर पे जो है मेरे हस्बैंड बिल वगैरह पे कर रहे हैं, और मैं जो है वीडियो बनाने में लगी हुई थी। इस बार मैंने जो है वीडियो अंदर की बनाई थी, क्योंकि ना मैं हर बार बना नहीं पाती थी, मगर इस बार में जो है मैंने वीडियो ज़रूर बना ली। बस तो मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई। इतना ही सामान था जो हमने ख़रीदा। इस बार हमने जो है क्लॉथ्स वगैरह नहीं लिए, इस बार हमको ज़्यादा ग्रॉसरी का ही सामान लेना था, तो हमने ग्रॉसरी का ही सामान लिया। देखा जाए तो इस बार भी विशाल मेगा मार्ट में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है बिल को चेक करवा रहे हैं और सामान को चेक करवा के रखवा रहे हैं। और इसके बाद जो है हमें लंच करना था, लंच करने के बाद हमें सीधा मूवी देखने जाना था, और टाइम हो रहा था मूवी देखने का।
हमारे शॉपिंग डेस्टिनेशन से जो थिएटर था वो कम से कम 10 मिनट की दूरी पे था, तो जो है आप थिएटर देख पा रहे होंगे, काफ़ी मूवी लगी हुई थी, बटाला हाउस वगैरह, और भी पंजाबी मंजाबी मूवियाँ भी लगी हुई रहती हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है टिकट वगैरह ले रहे थे, उसके बाद टिकट लेने के बाद जो हमारा टाइम तो हो ही गया था मूवी देखने का, और अगर हम थोड़ा लेट हो जाते तो मूवी स्टार्ट हो जाती, तो हमने जल्दी जल्दी किया। कि आप देख पा रहे होंगे ये थिएटर के अंदर का जो है मैंने शूट किया था, और मूवी स्टार्ट होने के बाद जो है शूटिंग करना मना होता है, और इसलिए मैंने शूट नहीं किया। इंटरवल के टाइम जो है काफ़ी फूड कॉर्नर पे जो है भीड़ लगी हुई थी, तो हमने थोड़ा सा जो है फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए हुए थे, उसके बाद जो है हम मूवी देखने चले गए। जिस पर हम जो है चल रहे हैं वो है ना सड़क के किनारे बना हुआ छोटा सा ब्रिज है, और इसी ब्रिज के पास में आप ये जो देख पा रहे होंगे ना, ये जो है यहाँ पे सोलन का रेलवे स्टेशन बना हुआ है, और यहाँ पे जो पता है ट्रेन कैसे चलती है, वो छोटी छोटी मिनी ट्रेन नहीं होती, वो चलती है यहाँ पे। तो उस ट्रेन में मैंने अभी तक तो सफ़र नहीं किया है, पर मुझे उस समय ट्रेन में जो है सफ़र करना है। काफ़ी अच्छी लगती है वो देखने में छोटी छोटी ट्रेन, और काफ़ी स्लो चलती है, बट ना एक बार तो उस ट्रेन में घूमना बनता ही है। आपको वो दिखाया उत्तर रेलवे सोलन, तो ये सोलन का जो है रेलवे स्टेशन है। ये जो है सोलन का बस स्टैंड है, और लौटते टाइम जो है देख पा रहे होंगे आप कितने सारे बादल हो रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग जो है ना जाते जाते इतने भीग गए थे कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग जो है घर पे 6 साढ़े 6 बजे तक जो है आ गए थे, और इसके बाद जो है आपको पता ही है इतनी शॉपिंग थी जो हमने की हुई थी, और इसमें से जो कुछ प्रोडक्ट हैं बाकी सब तो ग्रॉसरी के थे, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दिखाने लायक हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, फर्स्ट क्रॉप का कॉर्नफ्लेक्स, और पीछे शायद इसके है, ये है वीट चोको फ्लेक्स, वीट से बना हुआ फ्लेक्स है, और ये चॉकलेट फ्लेवर का। ये दोनों कॉम्बो पैक में है, एक जो है ये छोटा वाला 250 ग्राम का होगा, और ये बड़ा वाला है वो 500 ग्राम का है। ये ऑफर प्राइस में ये 170 के पड़ जाएंगे आपको। आपको पता होगा फर्स्ट क्रॉप के जो प्रोडक्ट होती है ना खाने पीने के बहुत अच्छे आते हैं, दिन भर में आपको बीच में कभी भूख लग जाए तो आप इन्हें खा सकते हैं, मैंने इसलिए इसे लिए हैं। ये भी मुझे कॉम्बो के पैक में मिले थे, ये है VLCC की नेचुरल एंड हर्बल हीना, ये है हेयर डिफेंस वाली फॉर स्ट्रॉन्ग स्मूदर एंड साइन हेयर के लिए, तो ये भी मुझे जो है कॉम्बो पैक में मिले थे। एक का प्राइस जो है 50 रुपी है, और आपको ये 120 ग्राम मिल जाएगी, बट ये मुझे कॉम्बो पैक में था, तो ये कुछ ऑफर प्राइस इसका क्या था देख, ये आपको 89 के पड़ जाएंगे। इसके बाद जो है मैंने ये आप देख पा रहे होंगे, ये है बाय वन गेट वन फ्री, ये है ना 139 का है एक का प्राइस, बट ये कॉम्बो पैक में थे तो ये मुझे 139 की दो ही मिले। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये है ना सन प्रोटेक्शन है इसमें, ये SPF 20 है, यानी कि सन के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगा, और आपको मतलब एक्स्ट्रा जो होते हैं बॉडी लोशन आपको नहीं लेना पड़ेगा, वो आप एक बॉडी लोशन लेंगे तो उसमें सन प्रोटेक्शन भी है, तो अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। इसके बाद ये भी जो है कॉम्बो में थी, आप देख पा रहे होंगे ये है 110 की, बाय वन गेट वन फ्री है, ये हनी है, और ये मैंने ये है फुल ब्लूम की फॉरेस्ट हनी, अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाएगी आपको 110 में, यानी आपको 55 रुपये की पड़ जाएगी। एक पैक जो है 250 ग्राम का है, तो ये आधा किलो की हो जाएगी, मतलब 500 ग्राम की हो जाएगी। इसके बाद जो है मैंने ये लिया था कैडबरी वॉन वीटा फॉर वुमन, तो ये तो मेरा ऑलमोस्ट जो है पूरा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा होगा इतना, मैं इसका मैंने फुल रिव्यू
की वीडियो जो है मैंने बना ली है, बट वो आप लोगों के साथ शेयर करनी बाकी है, तो मैं उसे जल्दी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। आप देख पा रहे हो ये आपकी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, हाई आयरन के लिए और रिड्यूस फैट के लिए है, और ये चॉकलेट फ्लेवर का है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें ना आपको जो एक्स्ट्रा शुगर जो होती है वो नहीं डालनी पड़ेगी। ये भी जो है कॉम्बो पैक में था, ये आप देख पा रहे होंगे 139 का जो है मिल गया हमको, और काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, हमने पहले भी ख़रीदा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आ गया हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, और चलिए मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।